सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। व्हाट्सएप पर कॉल रिसीव न करें वरना आपका मोबाइल हो सकता है हैक। व्हाट्सएप यूज़र ध्यान दें, व्हाट्सएप ने कहा है कि हाल ही में व्हाट्सएप पर एक साइबर अटैक हुआ जिसमें वॉइस कॉल के जरिए इनेबल्ड स्पाईवेयर को फ़ोन पर टारगेट किया गया। इसके जरिए हैकर्स फ़ोन के साथ छेड़खानी कर सकते थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिक्योरिटी ब्रिज इजरायली NSO ग्रुप के जरिए किया गया था। NSO ग्रुप इजराइल की टेक्नोलॉजी फर्म है जो साइबर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। इस अटैक में यूजर्स को वॉइस कॉलिंग के जरिए जाल में फंसाया जा रहा है। कोई कॉल उठाए या ना उठाए, सॉफ्टवेयर खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा और आपके कॉल लॉक से ऑटोमेटिक वो नंबर गायब भी हो जाएगा। व्हाट्सएप ने यह नहीं बताया कि कितने मोबाइल को टारगेट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप के इंजीनियर्स इस महीने की शुरुआत में खोजे गए सिक्योरिटी लूप होल को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा, व्हाट्सएप लोगों को हमारे ऐप के लेटेस्ट वर्जन से अपग्रेड करने के लिए कहता है। इसके साथ ही किसी भी अटैक से बचाने के लिए मोबाइल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट रखने को कहता है। हम अपने यूजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी इनहेंसमेंट को लेकर इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक का एक फ्लैगशिप मैसेजिंग एप्लीकेशन है और दुनिया भर में इसके करीब 1.6 बिलियन यूज़र है। व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की तारीफ भी की जाती है, लेकिन यही फीचर कई बार सवाल के घेरे में भी रहती है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप को फटाफट प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाकर अपडेट कर लें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।